बहुत सारे आप ही के मुस्लिम जो लोग धर्म बंधु होंगे, सहयोगी होंगे, उनकी तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं? कुछ पॉजिटिव भी आते होंगे, कई प्रकार के कमेंट्स आते होंगे। क्या आपको इस भी पर कुछ आते हैं? देखिए, आज तो मुझे दो धमकी भरी कॉल आई। मैं ऐसी मेरे सारी सभी सनातनी भाइयों से मिलजुल रही थी, स्वागत सत्कार हो रहा था। दो फोन कॉल्स आते हैं मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियां, इतना गंदा गंदा बोल रहे थे। तो मैं भी पीछे नहीं हटी। जो मेरे पर फूल बरसाएगा मैं फूल बरसाऊंगी, जो मेरे पर पत्थर फेंकेगा मैं तो फिर ईंट फेंक के मारूंगी, पूरा पहाड़ फेंक के मारूंगी। मैं ऐसी लड़की हूँ। तो मैंने भी खूब गालियां दिया, खूब उल्टा सीधा बोला, अपने बचाव में तो मैं कुछ करूंगी ना। तो ऐसे आते रहते धमकियां, लेकिन तरक्की बढ़ते। शबनम, ऐसे लोगों की आपने कंप्लेंट फाइल करने की नहीं सोची कि कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए? ऐसे लोग जो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट है आपको? हाँ देते हैं। देखो, धमकी में वो रेप थ्रेट देते हैं, दैट थ्रेट देते हैं। उनकी सोच ही घटिया है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा ना कि मैं इनपे कुछ कर सकूं। मैं एक पॉजिटिव वे में निकली हूँ, तो मैं बस यही मनोकामना करते हुए निकल रही हूँ कि सबका अच्छा और सब अच्छे रहे, मैं ये सोच के निकली हूँ। तो इन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ सर जी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग शबनम ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने हिम्मत कर डाली, आपने यात्रा पर निकल निकल पड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, जिनके मन में ऐसा भाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बंदिश के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे। क्या संदेश देंगी उनको, या उनका संदेश आता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट आपके साथ है? अरे बहुत इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं चेक नहीं कर पाती हूँ, इतने कमेंट्स आते हैं, मैं क्या बोलूँ। अभी जैसे मेरे इतने फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मेरा काम अच्छा लग रहा है। लोग किसी को फॉलो क्यों करते? जिनका काम अच्छा होता है, व्यक्ति अच्छा होता है, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। तो भाई मैसेज तो बहुत आते हैं, सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन अच्छा ही मैसेज करते हैं वो।